नमस्कार। राजस्थान में 17 अप्रैल को 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उनके उम्मीदवार सामने नहीं आए हैं। बीजेपी ने साड़ा विधानसभा सीट से डॉक्टर रतनलाल जाट को टिकट दिया है। वहीं रतनलाल जाट के सामने कांग्रेस ने स्वर्गीय विधायक कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी को टिकट देकर सहानुभूति का कार्ड खेला है। सुजानगढ़ से दोनों ही पार्टियों ने मेघवाल कार्ड खेला है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने खेमाराम मेघवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने स्वर्गीय मास्टर मोहनलाल के बेटे मनोज कुमार मेघवाल को मैदान में उतारा है। वहीं राजसमंद से बीजेपी ने स्वर्गीय विधायक किरण महासौरी की बेटी दीप्ति महासौरी को मैदान में उतारा है। दीप्ति महासौरी के सामने कांग्रेस ने तनसुख बोरा को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों प्रमुख पार्टियों के टिकट घोषित होने के बाद अब आरएलपी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार है कि हनुमान बेनीवाल कब तक अपने पत्ते खोलेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक अब हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज या कल तक इन तीनों विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर सकती है। बताया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इन उपचुनाव में उतरने के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को पहुंच सकता है। आपको बता दें कि 30 मार्च को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और इसी तारीख को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार भी अपना नामांकन प्रस्तुत करेंगे। इन तीनों विधानसभा सीटों पर 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है और उसके बाद में परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।